नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग के कुछ प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इनके अभ्यास निरंतर करेंगे तो निश्चित ही आपको परीक्षा में इनसे बहुत सहायता मिलेगी। पर परीक्षा की दृष्टि से हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्नों में क्या है, सत्य असत्य बताइए। यहाँ पहला प्रश्न हमारे पास है कि यदि f'x > 0 तब फलन fx जो है वो ह्रासमान फलन होता है। तो यहाँ यदि हम ढूंढें कि उत्तर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए या असत्य, तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रथम अवकलज परीक्षण जो है वो ये कहता है कि यदि किसी फलन का प्रथम अवकलज 0 से बड़ा है तो हमेशा जो फलन है वो वर्धमान फलन होता है। लेकिन क्या दिया है कि फलन ह्रासमान फलन है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या होगा, असत्य होगा। आइए आगे देखते हैं। यदि f'x > 0 तब फलन fx निरंतर ह्रासमान फलन होता है। तो यहाँ पर भी प्रथम अवकलज परीक्षण से हमें ये ज्ञात है कि यदि f'x यानी कि किसी फलन का प्रथम अवकलज 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो फलन fx क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन होता है, वो निरंतर ह्रासमान फलन नहीं होता। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो भी असत्य होगा। आइए आगे देखते हैं कि यदि दो बिंदु x1 x2 जो कि वास्तविक संख्या समुच्चय से लिए गए हैं, उनके लिए यदि हमारा फलन fx1 और fx2 में इस प्रकार से संबंध है कि fx1 fx2 से छोटा है जबकि x1 भी x2 से छोटा है तो फलन वर्धमान फलन होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि बिंदु x1 बिंदु x2 से छोटा है और उसी बिंदु x1 पर फलन fx1 और x2 बिंदु पर फलन fx2, इन दोनों में भी ऐसा ही संबंध है कि fx2 से छोटा है, तो ऐसी स्थिति में फलन वर्धमान फलन होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य होगा। आगे देखते हैं, यदि दो बिंदु x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए, यानी कि हमारे जो बिंदु हैं ये वास्तविक संख्या समुच्चय से लिए गए हैं और इनके लिए fx1 <fx2> है, यानी fx1 fx2 से छोटा है जबकि यहाँ पर x2 x1 से छोटा है, यानी कि x1 बड़ा है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, यानी कि फलन का जिस बिंदु पर मान छोटा है वो बिंदु तो बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में फलन ह्रासमान फलन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सत्य हो गया। आगे देखते हैं कि किसी फलन fx बराबर x² + 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु 1-1 पर 1 होती है। ये हम कैसे देखेंगे कि सत्य है या असत्य, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रवणता हम कैसे निकालते हैं। तो प्रवणता का मतलब होता है कि जो फलन आपको दिया गया है सबसे पहले आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी प्रथम अवकलज निकाल लीजिए। तो आपने जब f'x निकाला तो आपको क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब 2x में 1-1 पर यानी x का मान 1 दिया था, तो जब आपने x की जगह 1 रखा तो आपको f'x कितना मिल गया, 2 मिल गया। और यहाँ पर दिया गया है कि 1 होती है, तो ये असत्य होगा। देख लीजिए नीचे आंसर भी आपको दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न सत्य है और कौन सा असत्य है। हम आगे देखते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 6 में
किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा की प्रवणता गुणा अभिलंब की प्रवणता, इन दोनों का गुणा बराबर -1 होता है। तो यहाँ पर हमने कक्षा 11वीं में भी ये पढ़ा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और जो उस पर अभिलंब है, कोई भी रेखा यदि हमारे पास है और कोई उस पर लंब रेखा है, तो इन दोनों की प्रवणताओं का गुणा सदैव -1 होता है। तो ये कथन जो है वो सत्य होगा। आगे देखते हैं 7वें में, यदि किसी बिंदु x1 पर f" (x1) यानी कि फलन का द्वितीय अवकलज ऋणात्मक है, तब बिंदु x1 फलन fx पर बिंदु x1 पर फलन fx उच्चतम होता है। तो ये भी सत्य है क्योंकि ये कंडीशन है। आगे देखेंगे फलन sin x 0 to π/2 इंटरवल में ह्रासमान फलन है। तो यदि हम sin x का ग्राफ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 0 to π/2 शून्य से लेके 90 तक में ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, या तो आप बढ़ा के भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप शून्य पे मान देखिए तो साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 1/2 हो जाता है, साइन 60 √3/2 हो जाता है, इस प्रकार मान बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि शून्य से लेके π/2 अंतराल में साइन एक्स का मान बढ़ रहा है तो वो ह्रासमान फलन नहीं होगा, वो वर्धमान फलन होगा। तो ये जो कथन है ये असत्य होगा। आगे देखते हैं, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है तो स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु x1 y1 पर y = y1 होता है। तो यहाँ पर यदि एक्स अक्ष के समानांतर है यानी कि टैन थीटा जो है वो में थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, और जो टैन थीटा होता है वही तो किसी भी फलन का अवकलज होता है। तो यहाँ पर यदि हम टैन थीटा की जगह पर 0 रखते हैं यानी कि m को 0 रखते हैं, तो आप लिख कर भी इसको हल करके देख सकते हैं कि y - y1 = 0 × x - x1 होगा। तो वहां पर 0 होने से 0 ही हो जाएगा सारा, तो y - y1 = 0 यानी y = y1 होगा, अर्थात ये कथन सत्य होगा। 10वें प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य है तब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ पर dy/dx का मान यदि 0 है या tan थीटा 0 है तो स्पर्श रेखा जो है वो y अक्ष के समांतर नहीं होगी। हमेशा जब भी हम प्रवणता की बात करते हैं तो स्पर्श रेखा x अक्ष से बनाए गए कोण को हम लेते हैं। तो यहाँ पर x अक्ष से बनाया गया कोण शून्य कब होगा? जब x अक्ष के समानांतर स्पर्श रेखा होगी, y के समानांतर होने से नहीं होगा। तो ये कथन जो है वो असत्य होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे 1 नंबर के प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे पास, वक्र y = 3x^4 -4x (x=1) पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डैश होगी। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रवणता की बात हो रही है, हम y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा 4 × 12x³ × 4, और वहां पर यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो 12 × 4 = कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये भी सारे प्रश्न एक एक अंक के हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या r = 6 cm है तब r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर डैश होगी। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 cm है,
और क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब हम इसको आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पाई ज्यों का त्यों रहेगा और आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल परिवर्तन की दर 2 पाई आर, और 2 पाई आर में जब आप आर की जगह 6 रखोगे तो हो जाएगा 12 पाई। ठीक है, अगला प्रश्न है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान डैश होगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए आपको पूरा हल नहीं करना है। इसमें एक ट्रिक भी काम करती है कि यदि आप साइन एक्स का जो गुणांक है वो ले लो, वो 1 है, और कॉस एक्स का गुणांक आपने ले लिया वो भी 1 है, और यदि आप इन दोनों के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ दो और अंडर रूट निकाल दो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि हो गया 2, और 2 का यदि आप अंडर रूट लेते हो तो वही आपका उच्चतम मान होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2। और मैं ये भी बता दूं कि हम ऐसा यहाँ पर क्यों करते हैं उच्चतम मान के लिए, कि हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स जो हैं उनके न्यूनतम और उच्चतम मान ऋण 1 से धन 1 तक ही वेरी करते हैं। तो यदि मैं इसे साइन का के a प्लस बी के फॉर्म में या कॉस a प्लस बी के फॉर्म में या कॉस a किसी भी रूप में यदि मैं परिवर्तित कर लेती हूँ, तो ऐसी स्थिति में साइन या कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हमने वही काम किया है कि गुणांकों का वर्ग करके जोड़ के उसका अंडर रूट निकाला, ताकि हम उसे साइन a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में कन्वर्ट कर पाए। अगला प्रश्न है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का निम्नतम मान क्या होगा। तो ये भी बहुत साधारण सही प्रश्न है कि यहाँ पर बहुत उच्चतम और निम्नतम की शर्त या लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पर निम्नतम मान आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। आगे देखते हैं कि वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी। तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy by dx ज्ञात करना होता है। तो यहाँ dy by dx हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x, और जब हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें हल करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा अभिलंब की प्रवणता के रूप में। हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसमें एक प्रश्न है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 गुणा 2x + 1 है, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आइए हम हल देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया है, गुब्बारे का व्यास दिया है 3/2 गुणा 2x + 1। तो चूंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो हमने यहाँ पर लिख दिया गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 3/4 गुणा 2x + 1। साथ ही साथ हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष गुब्बारे का आयतन जो कि हमने माना है v है। तो गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। पर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें ज्ञात करना है dv/dx। तो हमारे पास था v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गुब्बारा है तो वो गोलाकार है। यहाँ जब हमने r यानी त्रिज्या का मान रखा तो हमें मिलेगा v बराबर 4/3 पाई और उसके गुणा में 3/4 गुणा 2x + 1, ये पूरा की पूरा r की जगह है तो इसका होल क्यूब। अब हम जब 3/4 को क्यूब कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा v बराबर 4/3 पाई
और ब्रैकेट के अंदर 27 बटा 64 गुना 2x धन 1 का होल क्यूब, और आगे जब हम इसको 4 से 64 को और 3 से 27 को काट देंगे तो हमें मिल जाएगा v बराबर 9 बटे 16 पाई गुना 2x धन 1 का होल क्यूब। अब हम इसको x के सापेक्ष श्रृंखला नियम से अवकलित करेंगे, तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए 2x प्लस 1 को t मान लेते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात है। तो उसके बाद जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा dv by dx बराबर 9 बटे 16 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे, और 2x धन 1 का होल क्यूब को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 3 गुणा 2x धन 1 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ 2x धन 1 को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगा गुणा में 2। तो पूरा जब हम हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा dv by dx बराबर 27 पाई बटे 8 गुना 2x धन 1 का होल स्क्वायर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो हम इसका हल देखते हैं। हमें क्या दिया है, बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और बुलबुले की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है वो हो जाएगा dr by dt, जो कि हमें दिया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dv by dt क्या होगा। तो चूंकि हवा का जो बुलबुला है ये गोलाकार है तो इसका आयतन v कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पर जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dv by dt बराबर 4/3 पाई गुणा 3r स्क्वायर साथ में dr by dt। और जब हम r का मान 1 यहाँ पर रख देंगे और dr by dt का मान 1/2 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा dv by dt बराबर 4/3 पाई 3 गुणा 1 का वर्ग गुणा 1/2। और जब हम इसे पूरा हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dv by dt बराबर 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। एक और प्रश्न हम देखते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो हम इसका हल देखते हैं कि क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 4.9 सेंटीमीटर, और dr by dt यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है परिधि में वृद्धि की दर क्या होगी, यानी कि ds by dt ज्ञात करना है। हमने परिधि को यहाँ पर s माना है, तो परिधि क्या होती है वृत्त की, s बराबर 2πr। तो जब हम ds by dt ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा ds by dt बराबर 2πdr by dt, और dr by dt का जब हम मान 0.7 रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा ds by dt बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न देखते हैं, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 जो कि संवृत अंतराल है, इसमें fx बराबर x² प्लस ax प्लस 1 में प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फलन के वर्धमान होने की शर्त क्या है। तो वर्धमान होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि शून्य से बड़ा होना चाहिए। हमारा fx क्या दिया है, x² प्लस ax प्लस 1 है।
जब हम इसको अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस ए, और चूंकि वर्तमान होने के लिए 2x प्लस ए को शून्य से बड़ा होना चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस ए बड़ा है 0 से, यानी कि 2x बड़ा है माइनस ए से, यानी कि x बड़ा हो जाएगा माइनस ए बाय 2 से। और चूंकि x जो है वो कहाँ से लेना है, हमें संवृत अंतराल 1-2 से लेना है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए a का मान, तो हम a का मान यदि ऋण 2 यहाँ पर रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x बड़ा हो जाएगा 1 से। तो केवल एक ही मान हमें ऋण 2 ऐसा यहाँ पर दिख रहा है जिसमें हमें 1 से बड़ा मान मिलेगा, तो यहाँ पर a का जो न्यूनतम मान है वो क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस 2, ये न्यूनतम मान, इससे और बड़े मान हमें मिलते चले जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन जो कि दिया गया है वर्धमान हो। हमारा फलन है fx बराबर माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। आइए हल देखते हैं। यहाँ fx बराबर माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1 दिया गया है। जब हम इसे अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश x बराबर माइनस 6x², क्योंकि x³ का जो डिफरेंशिएशन है वो हमें मिलेगा 3x², और 2 से जब गुणा हो जाएगा तो माइनस 6x² मिला। ऐसे ही x² का अवकलन हमें मिला 2x, और जब हमने इसको ऋण 9 से गुणा किया तो हमें मिल गया ऋण 18x, और ऋण 12x का अवकलन हमें मिला ऋण 12, और 1 जो है चूंकि अचर है इसलिए इसका अवकलन 0 हो गया। तो हमें f डैश x क्या प्राप्त हो गया, ऋण 6x² ऋण 18x ऋण 12। और फलन के वर्धमान होने के लिए जो प्रथम अवकलज परीक्षण है वो ये कहता है कि f डैश x को शून्य से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा f डैश x जो हमें मिला है वो है ऋण 6x² ऋण 18x ऋण 12, तो इसे शून्य से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने यहाँ से ऋण 6 को कॉमन लिया तो ऋण 6 गुना x² धन 3x धन 2 बड़ा होगा 0 से, और जैसा कि हम असमीका में पढ़ते आए हैं कि यदि हम ऋण के चिन्ह को बाएं से दाएं प्रतिस्थापित करेंगे या दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करेंगे तो हमारी असमीका पलट जाती है, बदल जाती है, बड़े का चिन्ह छोटे का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 × x² प्लस 3x प्लस 2, और जब हम इसे गुणनखंड निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा 6 × x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 जो कि लेस देन 0 होगा। तो आगे हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 छोटा होगा 0 से, क्योंकि 6 × 0/6 भी 0 ही होगा। अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात देखना कि x प्लस 1 और x प्लस 2 का गुणा लेस देन 0 कब होगा। तो हम ये जानते हैं कि यदि शून्य से छोटी राशि यानी ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक होने के लिए दोनों में से कोई एक को धन और दूसरे को ऋण होना चाहिए, तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि पहला वाला जो है यानी x प्लस 1 वो लेस देन 0 है यानी ऋणात्मक है, और x प्लस 2 जो है वो धनात्मक है यानी शून्य से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको आगे हल करेंगे, और साथ ही साथ हमारी दूसरी जो कंडीशन है वो ये भी हो सकती है कि x प्लस 1 जो है वो शून्य से बड़ा हो जाए और x प्लस 2 शून्य से छोटा हो जाए। तो हमें क्या मिलेगा, जो पहली शर्त थी जिसमें हमने x प्लस 1 को लेस देन 0 लिया था, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, x लेस देन माइनस 1।
और x प्लस टू जीरो से बड़ा, तो हमें मिल जाएगा x बड़ा है ऋण दो से। साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन थी उसमें हमें मिला कि x बड़ा हो जाएगा ऋण एक से और x छोटा हो जाएगा ऋण दो से। तो यहाँ पर ये बहुत ध्यान से देखिए कि ऐसा अंतराल हमें नहीं मिल पाएगा जिसमें x ऋण एक से बड़ा और ऋण दो से छोटा हो। तो जो पहली वाली शर्त है हमारी, जिसमें कि हमारा x ऋण एक से छोटा और x जो है ऋण दो से बड़ा है, ये शर्त जो है यहाँ पर यही वैलिड होगी। तो x जो है वो ऋण दो और ऋण एक के बीच में होगा और यही हमें अंतराल प्राप्त हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऋण दो से बड़ा है x, यानी कि हमें जो अंतराल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऋण अनंत से ऋण दो तक खुला अंतराल। और चूंकि x ऋण एक से छोटा भी है तो एक अंतराल हमें ऋण एक से अनंत तक का मिल जाएगा खुला अंतराल। तो हम इन दोनों अंतरालों को यूनियन लगा के भी लिख सकते हैं। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। x भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसका हल। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है s बराबर 6a² और चूंकि यहाँ पर भुजा a दी गई है x, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा s बराबर 6x² और यदि हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ds बटा dx बराबर 12x। और चूंकि ds क्या होता है, ds बाय dx गुना डेल x होता है, तो जब हम यहाँ पर ds बाय dx और डेल x दोनों का मान रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ds मिल जाएगा। चूंकि ds बाय dx जो है वो कितना है, 12x है, और डेल x का मतलब क्या हो गया, x का 1%। तो x का 1% कितना होगा, 0.01x। इन दोनों मानों को जब हम रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है 12x into 0.01x और हल करने पर हमें मिल जाएगा 0.12x². बच्चों, आज आपने जिन जिन प्रश्नों को देखा है आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहिए, और यदि आप उसका अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में निश्चित रूप से आप बहुत अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।